उनका नेक्स्ट एग्जाम होगा 300 बेड्स इट्स एट 300 बेड सैंक्शन हॉस्पिटल एंड विद द स्टार्ट ऑफ द मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ ब्लॉक व्हिच इज एडिशनल 200 बेड ब्लॉक व्हिच इज अंडर कंस्ट्रक्शन वी वुड लाइक टू प्रेजेंट अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग यस यस दे आर ऑलरेडी इन द फाइल आज हमने यहां पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ बारामूला डॉक्टर सईद सहरी जी को यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने यहाँ पर एक पीएमआर यूनिट का इफ्तिताह किया। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक रिहैबिलिटेशन एंड फिजिकल थेरेपी का यूनिट है जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आया है और मैडम ने इसकी इनॉग्रेशन की और जहाँ बहुत ही एडवांस टेक्निक की मतलब मशीन्स लगाई गई हैं जिससे हमारे पेशेंट्स को जिनको बहुत सारी मसल डिसेबिलिटीज या कुछ डिजीज़ होते हैं जिनमें उनको एक्सरसाइजेज और थेरेपीज़ के लिए आना है उनके लिए बहुत मुफीद रहेंगे। इसके अलावा मैडम के साथ एक डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुई लंबी, उसमें रिव्यू उन्होंने लिया मैडम ने कि यहाँ पर आए मतलब लास्ट ईयर से अभी तक कितने सारे हमने फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाई या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस और एडिशनल चेंजेस हुई है तो उस पर उन्होंने जायज़ा लिया और इस प्रेजेंटेशन हमारी यहाँ पर थी जिसमें हमने सारा अपना वर्कलोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी स्टाफ पोजीशंस की सारी उनको प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने इनका नोट किया कि आगे वो हमें किस किस लेवल पर इसमें हेल्प करेंगे और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डीसी बारामूला मैडम सहरी असगर जी का कि उन्होंने हमें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में से यहाँ 1 करोड़ रुपया जीएमसी के लिए दिया तो ये बहुत खुशी की बात है। हम बहुत खुश हैं इसमें और उनको बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं और इसमें से हमारा पैसा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बड़ी कमी थी एमआरडी सेक्शन की क्योंकि लोगों का रश बड़ा रहता था तो उसमें से अराउंड 42 लाख का वो एमआरडी सेक्शन बनेगा और 30 लाख के आसपास एक यूरोलॉजी यूनिट बनेगा और इसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जहाँ बहुत हमारी दिक्कत है बेड्स कम है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो अराउंड 30 लाख रुपीज़ एक नई विंग या इमरजेंसी के लिए बनेगी। सो इन सब चीज़ों से इस डिपार्टमेंट की बहुत अपग्रेडेशन होगी और जो हमारी नीड्स थी यहाँ पेशेंट्स के लिए उसमें बहुत हमें फ़र्क पड़ेगा। आने वाले वक्त में जो पार्किंग का एरिया है वो मैक्सिमाइज होगा? जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल, वो भी हमने इस दफ़ा अपने कैपेक्स में डाला हुआ है और उसमें इनफैक्ट एक पार्किंग का एरिया और जो सड़क जो आ रही है ना हॉस्टल की एंट्री एग्जिट के लिए भी अच्छा रास्ता होना चाहिए वो भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। थैंक यू मैम।